तो आप लोगों को लंच कैसा लगा? अच्छा लगा सबको? रेस्ट किया अच्छे से? सुबह के सेशन को थोड़ा कॉन्टेम्पलेट भी किया? आई एम श्योर क्वेश्चंस होंगे, बहुत क्वेश्चंस होंगे ओवर द 3 ईयर्स, आपके वो क्वेश्चंस सॉल्व होंगे और ये नॉलेज एक नॉर्मल कोर्स की तरह, जैसे हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, उस तरह से नहीं है। आपने क्या डिफरेंस देखा यहाँ पर, इस नॉलेज में और उस नॉलेज में क्या डिफरेंस देखा? नॉलेज में हाउ इज द नॉलेज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोफेशनल नॉलेज? इज अबाउट अस। So this is the highest knowledge anybody can have. And as you rightly said, this deals with us, irrespective of our caste, religion, profession, strata. Everybody has to face this. So this is very important. So today you understood who am I, huh? And empowered yourself. The empowered souls you are, right? Okay. Stress. When we talk about stress, stress is common? Common? Stress is natural? Natural. Stress is universal? Universal. Starting from a small baby, small child, to any age across, you see everybody says, I am under stress. I am under stress. What gives us stress? What gives us stress? Why? Why is there stress? Anybody? Stress kyun hota hai? सबको होता है ना, ये तो हमने हाँ किया है सभी ने, लेकिन क्यों होता है? एक्सपेक्टेशंस, इनकम्पैटिबिलिटी, अनवांटेड डिजायर्स, यू नो इट इज अनवांटेड एंड स्टिल, सो जब भी कोई हमारी विश फुलफिल नहीं होती है तो हमें स्ट्रेस लगता है। मान लीजिए हमने प्लान किया कि अभी जैसे कल आप लोग आए, प्लेन टाइम पर नहीं था क्योंकि वेदर ख़राब था, तो स्ट्रेस में आ गए, अरे अब क्या, कहाँ रुकेंगे, फाइनली प्लेन भी ख़राब हो गया। हाँ, अब प्लेन तो नॉन लिविंग है, उसको तो स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस उसका भी हमारे ऊपर आ गया है ना। तो जैसा हम एंटिसिपेट करते हैं या हम कुछ एंटिसिपेट करते हैं कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा हो, अगर वो नहीं होता है तो हमें स्ट्रेस आ जाता है। अभी हम निकले हॉस्पिटल के लिए, हाँ, लेकिन रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई तो स्ट्रेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पहुंचना था, वो हमारी फुलफिलमेंट थी, वो फुलफिल नहीं होगा तो स्ट्रेस होगा। ठीक है, हमने सोचा था चलो परसों तक एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, नहीं कर पाए, स्ट्रेस हो गया। तो जहाँ पर भी नॉन फुलफिलमेंट होगी, हाँ, या उसका एंटिसिपेशन होगा तो स्ट्रेस आएगा, ऑब्वियस है, राइट? एवरीबडी विद मी? इसका मतलब अगर फुलफिलमेंट हो, फुलफिलमेंट हो, सब चीज़ फुलफिल हो हमारी जो हम चाहते हैं, डिज़ायर्स, विशेस, तो हम कंटेंटेड रहते हैं और हैप्पी रहते हैं। भाई हमारे हिसाब से सब कुछ चल रहा है अच्छे से, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो हम खुश हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है, राइट? तो इसमें अब इसमें क्या बताना है, ये तो सबको पता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लाइफ में हर चीज़ फुलफिल नहीं होती है, ये प्रॉब्लम है ना। तो इसका मतलब अब फुलफिल नहीं होगी तो स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा, ये तो फिर इनेविटेबल हो गया। तो स्ट्रेस फ्री सेशन का मतलब क्या है फिर? फिर स्ट्रेस फ्री कैसे होंगे भाई? फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस फिर कैसे हो सकता है?
उसके लिए तो एक ही चीज़ पॉसिबल है, तभी स्ट्रेस जा सकता है, जब हमारे हर विश हर डिज़ायर फुलफिल हो। क्योंकि ये तो सीधी सी बात है, जहाँ पर भी नॉन फुलफिलमेंट होगी, नॉन सेटिस्फैक्शन होगा, स्ट्रेस आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, अनहैप्पी होंगे, लगेगा क्या हो रहा है, स्ट्रेस आएगा। ठीक है, ओके। अब कोई चीज़ हमारी फुलफिल नहीं हुई, उस समय हमारा पर्पस क्या है? मान लीजिए आप जा रहे हैं हॉस्पिटल और रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई, तो आपका पर्पस क्या है उस समय? व्हाट इज़ योर गोल, व्हाट इज़ योर एम? कितना जल्दी से जल्दी मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊं, यही एम है ना? तो हमारे को चाहते हैं हम कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाए, अभी जिस स्पीड से हम जा रहे थे उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कर सकें, या मुझे कोई अपना प्रोजेक्ट पूरा करना है, 2 दिन में डेडलाइन है लेकिन मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी उसको पूरा करने के लिए। तो मैं सोचता हूँ कि स्ट्रेस से अगर मैं प्रेशर क्रिएट करूँगा तो मेरी शायद एफिशिएंसी बढ़ेगी, बट इज़ इट ट्रू? नो, पार्शियली। बट वी हैव जस्ट सीन, जब ब्रेन स्ट्रेस में होता है तो क्या होता है, अमिगडाला स्ट्रेस में जब होगा, क्योंकि स्ट्रेस इज अ इमोशन, तो उस समय क्या होगा, प्रीफ्रॉन्टल कॉर्टेक्स भी फिर से काम नहीं कर पाएगा, जो हमने यहाँ पर देखा था, राइट? इसीलिए जब कोई स्ट्रेस में होता है तो अमिगडाला की वजह से नॉट ओनली प्रीफ्रॉन्टल कॉर्टेक्स का फंक्शनिंग अफेक्ट होता है, हिप्पोकैम्पस, उसकी भी फंक्शनिंग डाउन हो जाती है। एंड हिप्पोकैम्पस इज द सीट फॉर, हिप्पोकैम्पस इज द सीट फॉर मेमोरी, मेमोरी, हाँ, हिप्पोकैम्पस मेमोरी के लिए होता है। अल्जाइमर्स में हिप्पोकैम्पस एट्रोफी होती है, अल्जाइमर्स डिमेंशिया में। एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, हम सब जब मेडिकल स्टूडेंट्स थे या अभी भी, जब हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो हम एक बार मूवी देखते हैं तो हमें वो पूरी याद हो जाती है, राइट? लेकिन जब हम अपनी मेडिकल बुक्स पढ़ते थे उसको कितनी बार रिवाइज करना पड़ता था याद करने के लिए? बहुत बार। क्यों? मूवी को बार बार रिवाइज नहीं करना, मूवी भी तो देखा आपने, पूरा सीक्वेंस याद हो गया, और बुक्स को जो पढ़ा वो याद नहीं हुआ, ऐसा क्यों? करेक्ट, इंटरेस्ट है तो वहाँ पर क्या नहीं है, स्ट्रेस नहीं है। जब एग्ज़ाम आते हैं, हम सब ने एग्ज़ाम्स दिए हैं, है ना, एग्ज़ाम के टाइम में कितना स्ट्रेस होता है, उस समय हम पढ़ते भी हैं तो कहते हैं मेरे माइंड में तो कुछ अंदर नहीं जा रहा है। अब एक नॉवल को ले लीजिए, चलो मूवी तो बोला कि चलो पिक्चर भी था उसमें विजुलाइजेशन भी था, लेकिन एक नॉवल है, इंटरेस्टिंग नॉवल है, हम एक बार ही पढ़ते हैं हमें पूरा उसकी स्टोरी याद हो जाती है, ठीक है? वही चीज़ अपने बुक्स में, क्यों? क्योंकि बुक्स हम अंडर स्ट्रेस पढ़ते हैं, परफॉर्मेंस, कि हमें अच्छे से पढ़ना है, इसको याद करना है, और नॉवल को हम कैजुअली स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ते हैं, ठीक है? तो इससे क्लियरली शो होता है कि स्ट्रेस हमारी मेमोरी को भी कम करता है, हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की फंक्शनिंग को कम करता है, तो एफिशिएंसी को तो ये बढ़ा कैसे सकता है? तो दिस इज़ अ मिथ कि स्ट्रेस हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। एक्सरसाइज इज नॉट ए स्ट्रेस, एक्सरसाइज स्ट्रेंथ है। ओके, तो स्ट्रेस डिफाइन कैसे करते हैं? स्ट्रेस इज अ नेगेटिव इमोशन। If you want to define stress, stress is a negative emotion. ठीक है, अब मान लो अगर उस समय आपको कुछ ऐसा पैनिक्स, एंग्जाइटी हो रहा है या घबराहट हो रहा है, कुछ ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो स्ट्रेस है। एक्सरसाइज इज नॉट स्ट्रेस, स्ट्रेस इज अ नेगेटिव इमोशन, एक्सरसाइज इज फिजिकल स्ट्रेंथ। हाँ, ओके। तो अब फंस गए हम, तो कैसे फंस गए? एक तरफ तो हमने देखा कि भाई नॉन फुलफिलमेंट होगी तो स्ट्रेस तो होगा ही होगा, दूसरी तरफ आपने बता दिया कि स्ट्रेस करोगे तो काम भी नहीं होगा। अब स्ट्रेस करें तो प्रॉब्लम है,
और नॉन फुलफिलमेंट है तो स्ट्रेस तो होना ही है। तो हम जाएं तो कहाँ जाएं, आगे कुआं पीछे खाई, क्या करें। तो हमने एक ईजी वे निकाल दिया, चलो स्ट्रेस के साथ ज़िंदगी को अपनी स्पेंड कर लेते हैं, अब क्या करें। लेकिन लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि फुलफिलमेंट ना हो? जो हमने पहली स्टेटमेंट दी थी कि फुलफिलमेंट नहीं होगी तो स्ट्रेस होगा ही होगा, फुलफिलमेंट ना हो लाइफ में, मतलब आपने जो गोल सेट किया या शॉर्ट टर्म टारगेट सेट किया वो पूरा नहीं हुआ, फिर भी आपको स्ट्रेस ना हो, आप खुश रहें, हो सकता है ऐसा? हो सकता है, तो करते क्यों नहीं है? हाँ हाँ, क्या बताइए। ओके, लेकिन लेकिन काम, वही तो बात है कि काम हो नहीं रहा है ना। काम हो नहीं रहा है, अब काम हो रहा होता तो सब ठीक था ना, आपने तो काम अच्छे उसके लिए किया, रिजल्ट को छोड़ दिया, लेकिन काम हो ही नहीं रहा है, अब क्या करेंगे? बार बार कोशिश करेंगे। कोशिश तो हम करते हैं, मोटिव हमारा ठीक होता है, लेकिन हम स्ट्रेसफुल होकर करते हैं, राइट? क्यों ऐसा? पावलोव एक्सपेरिमेंट के बारे में सबने पढ़ा है फार्माकोलॉजी में, द कंडीशनिंग रिफ्लेक्स, सबको पता है। एक डॉग जिसको पहले फूड दिया गया, ही हैज सेलिवेशन, राइट? एंड अ बेल वॉज रैंग, उसको कोई सेलिवेशन नहीं हुआ, ऑब्वियसली बेल से क्या होगा। फिर क्या किया, बोथ वर गिवन साइमल्टेनियसली, फूड एज वेल एज बेल, एंड देर वॉज सेलिवेशन फॉर फ्यू डेज। देन आफ्टरवर्ड्स ओनली बेल वॉज रैंग, पहले बेल से कोई सेलिवेशन नहीं था, अब बेल से सेलिवेशन हो गया, क्यों? कंडीशनिंग हो गया। किसको कंडीशन कर दिया उसने? फूड को और बेल को। आइडली सेलिब्रेशन किससे होना चाहिए? बेल से तो नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली हमने क्या किया, वी कंडीशन्ड आउटसाइड सिचुएशन विद आवर इनर सिचुएशन, दैट इज द रिस्पॉन्स। आइडियली दोनों अलग अलग थे, बाहर की सिचुएशन अलग है, मेरे इनर स्टेट अलग है। हमने दोनों को इतना कंडीशन, इतना एक ही समझ लिया कि बाहर अगर कुछ एबनॉर्मल हो रहा है तो अंदर तो एबनॉर्मल होगा ही ना। हाँ, इट्स लाइक कंडीशनिंग, बाहर और अंदर एक ही बात है क्या? अलग अलग है ना। सिचुएशन बाहर है, रिस्पॉन्स मन कहाँ है? यहाँ है ना, मन बाहर तो नहीं है ना। लेकिन हमने दोनों को एक समझ के कि बाहर की चीज़ जो होगी तो ऑटोमेटिक ये तो होना ही है ना, इसमें सोचने की क्या बात है, दोनों को हमने कंडीशन कर दिया। तो वो जो बेल है वो क्या है? बाहर की सिचुएशन है, और हमारा जो रिस्पॉन्स है सेलिवेशन, क्या वो अप्रोप्रिएट है? बेल से सेलिवेशन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, राइट? तो जब हम डीकंडीशनिंग करना सबसे पहले सीखेंगे, अब करना कैसे वो आगे की बात है, लेकिन पहले हमें ये समझना है कि इट इज़ पॉसिबल कि बाहर की सिचुएशन नेगेटिव हो या डिफ़िकल्ट हो, बाहर की सिचुएशन प्रेशर वाली हो, स्ट्रेसफुल हो बाहर की सिचुएशन, लेकिन मेरा माइंड उससे अलग है, वो इंडिपेंडेंट है, इट स्टिल हैज़ अ चॉइस कि वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्रिएट करे या कुछ और रिस्पॉन्स क्रिएट करे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी हमें समझ में आ गया कि चलो ठीक है, अब बाहर की सिचुएशन कुछ भी है मैं तो खुश हूँ। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बाहर कुछ भी होता रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो शुड वी बी कंटेंटेड विदाउट फुलफिलमेंट? ठीक है, नहीं हुआ डेडलाइन कोई बात नहीं, जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। ये एटीट्यूड ठीक है?
नो no? हाँ ठीक है ना भाई, अब कंटेंटेड तो रहना है ना। हमें ये बता दिया कि भाई स्ट्रेस में आपको नहीं आना है, स्ट्रेस आपकी मेमोरी को इफेक्ट डालता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को इफेक्ट डालता है, तो अब हमें स्ट्रेस में तो नहीं आना है। ठीक है, अब हमने ये भी देख लिया कि बाहर की सिचुएशन और मेरी सिचुएशन दोनों कंडीशनिंग एक नहीं है, अलग अलग हैं। अब बाहर मुझे पता है मोस्टली आजकल क्या होता है, सुबह से उठो रात तक, पहले ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, पहले तो कभी लाइट जा रही है, गीज़र नहीं चल रहा है, फिर खाना टाइम पे बना है नहीं बना है, फिर पूरी चीज़ें हैं या नहीं हैं, फिर निकले हैं तो गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं है, जैम कितना मिलेगा, वहाँ जाके बॉस की बात सुननी पड़ेगी लेट आते हो, फिर स्टूडेंट्स को पढ़ाना होगा, इतने सारे पेशेंट्स देखने होंगे, स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, कितने मल्टी टास्किंग को फुलफ़िल करना पड़ता है ना, सभी करते हैं ना मल्टी टास्किंग, इतने सारे टास्क हैं उनको फुलफ़िल करना पड़ता है। अब स्ट्रेस भी नहीं लेना, डीकंडीशनिंग कर देना है, तो क्या इसका मतलब ये है जो अभी हम बात कर रहे थे कि फल की चिंता मत करो, फल इज़ फुलफिलमेंट, फल इज़ जो मैडम ने कहा, फल इज़ फुलफिलमेंट, फल की चिंता मत करो, बस हमें जितना हमसे होता है हम करेंगे, बाकी जाए छोड़ो ना। आपका क्या विचार है? मीन्स हमें कर्मा फुलफिलमेंट के लिए करना चाहिए नहीं करना चाहिए? लेकिन आपने तो कहा अभी कि फुलफिलमेंट, फल की छोड़ो चिंता, फल जाए कहीं पर भी। हाँ वी शुड नॉट, व्हाट शुड नॉट अफेक्ट अस, ओके ओके, द स्टोरी ऑफ क्लेवर फॉक्स आप सबने सुनी है? सुनी है? क्या करते हैं, अंगूर खट्टे हैं, ठीक है, क्यों क्यों बोला उसने ऐसा, मिल ही नहीं रहे थे तो फुलफिल हो ही नहीं सकती डिज़ायर, हमें पता है ना, तो हम उनके पीछे भागे क्यों, छोड़ दो सब कुछ। हाँ अच्छा, वो रियल में खट्टा बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा है, इसका भी रहस्य आगे चलेंगे। बिल्कुल ओके, क्या खट्टा है क्या मीठा है वो आगे देखेंगे, कौन से अंगूर खट्टे होते हैं कौन से मीठे होते हैं। तो ये फॉक्स ने, जब इसका हाथ नहीं पहुंच रहा था तो उस फॉक्स ने डिसाइड किया कि बोल दिया अंगूर खट्टे और वो आगे चली गई। तो अभी हम मान लेते हैं उसने दोबारा ट्राई नहीं किया, ठीक है, जो ओरिजिनल स्टोरी है कि उसने ट्राई नहीं किया, उसने एक बार ट्राई किया उससे नहीं हुआ, वो आगे चल पड़ी, तो उसने सही किया या गलत किया, क्या उसको बार बार ट्राई करना चाहिए था फॉक्स को अंगूर के लिए, या बस उसने ट्राई किया उससे नहीं हुआ और वो आगे चल पड़ी? ट्राई करना चाहिए था, तो फिर इस स्टोरी का नाम तो फुलिश फॉक्स होना चाहिए था, क्लेवर फॉक्स क्यों रखा, अगर उसने जो गलत किया उसको ट्राई करना चाहिए था, उसने जो करना चाहिए था वो नहीं किया, तो फिर फुलिश फॉक्स क्यों नहीं रखा इसका नाम, क्लेवर क्यों रखा? यस, उसको पता था कि मैं को मिल ही नहीं सकते, तो वो फुलिशनेस है कि जो चीज़ आपको मिल नहीं सकती उसके पीछे भागने का फ़ायदा क्या है, उसके पीछे भागने का, उसके पीछे परेशान होने का फ़ायदा क्या है, जैसे आपने कहा, और भाग भी लोगे पकड़ भी लोगे फिर खट्टे लगेंगे, फिर तो और ज़्यादा रिग्रेट होगा कि इतनी मेहनत इसके पीछे लगाई, इससे अच्छा तो कुछ और ही कर लेते, राइट ठीक है। अब आपको बताते हैं द बिगर ड्रामा इज, अब आप जो सीखने वाले हैं वो है रियल स्पिरिचुअल सीक्रेट्स। अभी मॉर्निंग सेशन में आपने देखा वी ऑल आर एक्टर्स, ठीक है, एक्चुअली वी आर द सोल्स प्लेइंग डिफरेंट रोल्स, ठीक है ना, तो लाइफ इज अ ड्रामा, एवरीवन इज अ एक्टर, वैरायटी रोल्स एंड सीन्स, कभी हम मदर फादर बन जाते हैं, कभी टीचर बन जाते हैं, कभी कोई रोल एज्यूम करते हैं, फ्रेंड बन जाते हैं, है ना, अलग अलग रोल्स हैं, पर्सन सोल एक ही है लेकिन अलग अलग रोल्स हैं, सो हमेशा हम याद रखते हैं आई एम अ सोल प्लेइंग द
रोल। वो फॉक्स के हाथ में अंगूर नहीं थे, तो उसको पता था कि अंगूर मेरे हाथ में नहीं आने वाले, तो उसने कहा कि छोड़ दो, बेकार में फालतू में इसके पीछे जाने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो हमें ये जानना है हमारे हैंड्स में क्या है क्या नहीं है। ये बात सही है कि जो मेरे हाथ में है मैं उसी को प्राप्त कर सकता हूँ, जो मेरे हाथ में है ही नहीं उसके पीछे आप कितना भी स्ट्रेस ले लो, कितना भी कुछ कर लो, जो आपकी चीज़ में हाथ में है ही नहीं वो आप प्राप्त कर ही नहीं सकते, तो आप उसके पीछे स्ट्रेस लेकर करोगे भी क्या। करेक्ट है, ठीक है। तो हमारे हाथ में क्या है क्या, हाँ वही क्या है या क्या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, जब भी हम कुछ करते हैं तो दो चीज़ें एक साथ होती हैं। हम रोड में जा रहे हैं, ठीक है, सुबह सुबह आप निकले और आपको ट्रैफिक जैम मिला। ट्रैफिक जैम आप ही को क्यों मिला, आपके रूट पर ही क्यों मिला, ठीक है। कभी कभी आप, हम जब स्टूडेंट्स थे हमने ऐसा देखा कि भाई हमारे कलीग ने तो बहुत कम पढ़ाई की और उसके मार्क्स अच्छे आ गए, या फिर वाइवा में क्वेश्चंस जो उसने पढ़े उससे पूछ लिए लेकिन हमसे वो पूछे जो हमने नहीं पढ़ा था। होता है ऐसा, एक्सपीरियंस है, कहते भाई उसने तो बहुत कम पढ़ा फिर भी उसका एग्ज़ाम में क्लियर हो गया, वो इतनी मेहनत करता है उसका फिर भी नहीं होता है, वो क्या है, वो उसके हाथ में क्यों नहीं है। टू थिंग्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली, व्हाट, जो हम पहले से कर चुके हैं, जो हम पहले से कर चुके हैं उसका जो रिजल्ट आता है वो सिचुएशन के फॉर्म में आता है। एवरी सिचुएशन व्हाट यू आर फेसिंग इज द रिजल्ट ऑफ सम कर्मा डन इन द पास्ट। अगर आप ट्रैफिक जैम में भी फंस रहे हो तो वो भी कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है जिसकी वजह से आप फंस रहे हो। आज सुबह आपने सुना ना यहाँ पर क्या बोला कि आप भगवान, आप यहाँ पर नहीं आए हो, गॉड हैज़ कॉल्ड यू। आपने कुछ बहुत अच्छा किया होगा जिसके फ्रूट में, जिसके फल स्वरूप आप यहाँ आए हो, दैट इज़ ट्रू। तो एक सिचुएशन बनी ना यहाँ पर आने की, भाई उड़ीसा में इतने ही डॉक्टर्स थोड़ी ना है, देर आर थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर्स, आप ही लोग क्यों आए, Why are you the chosen ones? ऐसे ही कुछ नहीं होता है, Nothing happens by chance. तो ये आपकी डेस्टिनी थी, और डेस्टिनी किस बेसिस पे बनी, Something was done in the past. ठीक है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए जो बाहर सिचुएशंस हैं जो हमारे साथ हो रहा है बाहर से, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो सिचुएशंस आएंगी आएंगी। हम हमेशा कि ऐसा कैसे कहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। द आंसर इज़ वेरी सिंपल, आपने कभी ना कभी उसके साथ ऐसा बिहेव किया होगा। और अभी आपने देखा सोल का कॉन्सेप्ट, सोल सिर्फ इस बर्थ की नहीं है, सोल इज़ गोइंग थ्रू मैनी बर्थ्स, तो वो अकाउंंट लेकर आ रही है, मे बी यू हैव डन समथिंग इन द प्रीवियस बर्थ, मे बी प्रीवियस टू दैट बर्थ। अगर आज मैंने किसी से 1000 रुपीज़ लोन लिया है, ठीक है, तो मुझे उसको देना ही पड़ेगा, आई कैन नॉट एस्केप दैट, दैट इज़ द कार्मिक लॉ। अब मान लो आफ्टर फ्यू ईयर्स मैं भी भूल गया, वो भी भूल गए, बट वो मुझे लेना ही है उससे, वेन आई टेक दैट अमाउंट, तो उसको क्या लगेगा कि ये तो मुझसे 1000 रुपीज़ ले रहे हैं, बिकॉज ही हैज़ फॉरगॉटन कि कभी उन्होंने मुझसे लिए थे। तब हमें पेन होता है कि वो तो मुझसे छीन के ले गए। तो एनीथिंग व्हाट वी आर फेसिंग इन आवर लाइफ, गुड और बैड, इज अ रिजल्ट ऑफ सम एक्शन, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है, तो जो पास्ट में हो गया वो प्रेजेंट बनाएगा, ये फ्रूट हमें खाना ही पड़ेगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट। लेकिन हमारे हाथ में क्या है, अब जो आप करोगे वो आपका नेक्स्ट फ्यूचर में जो होने वाला है वो डिसाइड कर लेगा,
वो आपके हाथ में है, वो आपके टोटल हाथ में है, ठीक है। तो अब हमारे सामने कोई सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन आई, अब हमें उसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले उसका स्टेप क्या होगा? सबसे पहले स्टॉप गेटिंग अपसेट, ये डिफिकल्ट सिचुएशन मेरे पास क्यों आई, क्योंकि हमारा इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है, मेरे साथ क्यों हो रही है सिचुएशन, यही होता है। कोई भी सिचुएशन आप ले लो, डिफिकल्ट सिचुएशन जब आती, मेरे साथ क्यों, व्हाई मी, सबसे पहला सवाल ये आता है। नाउ इमीडिएटली योर इंटेलेक्ट शुड आंसर इट, मे बी आई हैव डन समथिंग, ये उसका रिजल्ट है, एक्सेप्टेंस, इट हैज़ कम बिकॉज आई हैव डन समथिंग। फिर उसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि एक्सेप्टेंस होगी तो ऑटोमेटिकली जहाँ एक्सेप्टेंस होगा वहाँ पर स्ट्रेस नहीं आएगा। जैसे ही वाई, वाई ही वरी लेकर आता है, वाई हमारे माइंड को डिस्टर्ब करता है, राइट, जब हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है ना। हम जानते हैं डॉक्टर्स, मान लीजिए किसी के साथ ट्रेजिडी हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, पैरालिसिस हो गया या कुछ एम्पुटेशन हो गया, ठीक है, कोई ट्यूमर हो गया, शुरू शुरू में बहुत रिजेक्शन होता है, तो माइंड बहुत स्ट्रेस में रहता है उसका, बहुत एक टर्मोइल में चलता है, लेकिन विद टाइम क्या होता है, वो पेशेंट को एक्सेप्ट कर लेता है, मे बी डेज, मंथ्स, किसी को सालों भी लग जाते हैं, कोई कोई नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन जैसे ही एक्सेप्ट करता है वो क्या फील करता है, एकदम लाइट, लाइट फील करता है ना, कहता है नाउ आई एम ओके, आई हैव एक्सेप्टेड इट, आई एम ओके नाउ। तो क्यों ना वो डे वन पे कर लें विद दिस अंडरस्टैंडिंग, और डे वन नहीं, मिनट वन, और मिनट वन भी नहीं, सेकेंड वन, इमीडिएटली कुछ भी हो रहा है, एक्सेप्ट द सिचुएशन कि ये तो इट वॉज बाउंड टू कम। अब क्या करना है, क्योंकि अब आपने देखा, क्योंकि आपका माइंड स्टेबल है, और स्टेबल माइंड है, अमिग्डाला स्टेबल है, तो प्रीफ्रॉन्टल कॉर्टेक्स भी अच्छे से फिर सोच सकता है, तो फिर जो आप एक सीड अच्छा डाल पक सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, अगर स्ट्रेस में आपने एक्सेप्ट नहीं किया, अमिग्डाला नेगेटिव हुआ, प्रीफ्रॉन्टल कॉर्टेक्स भी काम नहीं करेगा, एक और गलती कर देंगे, एक और गलती मतलब फिर से हमने एक सीड डाल दिया जो बैड फ्रूट को फिर देगा, और एक साइकिल बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा हमें याद रखना है। सुबह एक क्वेश्चन उठा था कि कैसे सोल्स आती हैं, बढ़ती रहती हैं, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ग्लिम्स बताएंगे, बाकी डिटेल में आप नेक्स्ट 3 डेज में सीखेंगे हमारे राजयोगा टीचर्स से। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ राइज एंड डाउनफॉल ऑफ भारत। हम जानते हैं, अगर हम इफ़ यू गो जस्ट 100 ईयर्स बैक, तो थिंग्स वर नॉट एज बैड इन टर्म्स ऑफ मॉरल वैल्यूज़, ठीक है, मॉरलिटी अच्छी थी, उससे और पीछे चले जाओ मॉरल वैल्यूज़ और ज़्यादा अच्छे थे। तो दिस इज़ लाइक अ लैडर, जैसे वी गो डाउन द लैडर, ऐसे ही दिस इज़ द लैडर ऑफ ह्यूमन साइकिल। द सोल व्हेन इट केम टू अर्थ वॉज वेरी प्योर, ओके, फुल ऑफ डिवाइन वर्च्यूज, द गोल्डन एज, एंड बिकॉज इट वॉज प्योर डिवाइन वर्च्यूज, एवरीवेयर देर वॉज हैप्पीनेस, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली द वर्च्यूज केम डाउन एंड द बैड वर्च्यूज क्रीप्ड इन, द वर्च्यूज ऑफ ग्रीड, एंगर, लस्ट, ईगो, अटैचमेंट, एंड देन बिकॉज ऑफ दीज बैड वर्च्यूज ऑब्वियसली लाइक द कर्मा द एक्शन द फ्रूट विल बी सेम। सो द बैड फ्रूट इन टर्म्स ऑफ सॉरो, ग्रीफ, हर्ट, ऑल दीज थिंग्स केम अप, एंड दिस इज द डाउनफॉल, एंड दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ राजयोगा, विच सेज दैट वेन यू आर प्योर द मटीरियल possessions come automatically, while when the soul becomes impure, you become poor of your health, wealth and happiness. So the focus is on acquiring these virtues again, and the material possessions follow automatically. What we are doing is, we are running behind material possessions, forgetting the principle that material possessions follow divine virtues or good virtues.
दिस इज द प्रिंसिपल विच यू मस्ट रिमेंबर. सो वॉट इज द राइट वे? एक्सेप्ट आउटसाइड एंड इनसाइड नॉन फुलफिलमेंट एज पार्ट ऑफ दिस बिगर ड्रामा. वॉट इज दिस बिगर ड्रामा? वी हैव कम डाउन दिस लैडर. एवरीबडी हैज कम डाउन दिस लैडर. Because we have come down this ladder, our virtues, the inner values have been lost. So inner fulfillment of the soul has been lost. We are not deprived of those qualities which we discussed in the last lecture. And because of that, outside possessions also became difficult. Except. Now, if you want to strive for both, first you have to fulfill your soul. And then outside fulfillment comes like a shadow. Easy? What did we learn till now? Stress is a response to outside hostility. So hostility is outside, but response stress is my own creation. It's not the situation which is causing stress, it's just the trigger. But who is initiating stress? Who is generating stress? It's me. Clear? Understanding the bigger world cycle brings acceptance. That's okay. Everybody came down. Deconditioning of mind de-links outside hostility from the negative mental response of stress. And what should we do? Instead of creating stress, we should learn the right response, the alternate response to face the problem the way it is ought to be solved. In a way, it can be solved. And what is the right way? When we learn the right way, outside achievements do follow. And the right way to achieve outside riches also are the if once we become rich inside. Okay? So once we become rich inside, automatically our outside situations become favorable. We don't have to strive for making them better. Woh apne aap hi theek ho jayengi. This is the crux. In qualities ke bina, aap bahar struggle hi karte rahenge. That is 100%. ओके अंडरस्टैंडेबल भी है ये जो सेवन क्वालिटीज हैं दीज आर द बेसिक क्वालिटीज ऑफ अ सोल द हाइएस्ट इम्प्रेशंस ऑफ अ सोल इट्स लाइक रिचेज ऑफ द सोल जैसे हमें हमारे पास बाहर हम कहते हैं कि इसके पास बहुत पैसा है इसके पास तो बहुत ज़्यादा अच्छा बैंक बैलेंस है वो बॉडी का बैंक बैलेंस है लेकिन सोल का बैंक बैलेंस क्या है वो ये है. तो अब आप चेक करें कि हमारा बाहर का बैंक बैलेंस तो है लेकिन क्या अंदर का बैंक बैलेंस है. डू वी हैव प्योरिटी? डू वी हैव स्टॉक ऑफ लव, स्टॉक ऑफ हैप्पीनेस, स्टॉक ऑफ पीस, नॉलेज, पावर एंड ब्लिस? कितना स्टॉक हमारे पास है? पावर है. पावर कैसे है? ओके, इन सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्योरिटी. प्योरिटी क्या है? व्हाट इज प्योरिटी? प्योरिटी इज डिवॉइड ऑफ एनी कंटामिनेशन. तो अगर प्योरिटी को हम देखते हैं तो इट इज़ एट द लेवल ऑफ मेंटल, एट द लेवल ऑफ स्पीच, एट द लेवल ऑफ एक्शंस. तो वेन एवर वी क्रिएट एनी नेगेटिव थॉट इट्स अ इम्प्योरिटी ऑफ माइंड. ओके, नेगेटिव थॉट टुवर्ड्स अस और टुवर्ड्स अदर्स वो है इम्प्योरिटी. ओके, वर्ड्स, इफ वी स्पीक इल ऑफ अदर्स
then it is impurity of speech and actions. If we do something which harms others, it's impurity of action. Mostly we take care, we don't do harm to others in action, but we need to take care that we don't even think ill of others or us also. Okay, love, everybody understands. Love for all, irrespective of anybody doing anything. Happiness, how happy we are. Peace, how peaceful we are, despite the outside situations being negative. Power is when outside situations are hostile, how much power you have to face them, the courage to face them. You know Mimosa Pudica, touch me not plant? So once you touch it, it just closes its leaves, right? So it has the least power. So the more sensitive you are, the less powerful you are. Knowledge. Not just the professional knowledge, but knowledge about yourself, which you are getting here. And bliss. Bliss, the highest state of happiness. Clear? So if you want to de-stress yourself, if you have to acquire these values, because obviously, if you are facing challenges here and then, again and again, these things will come to you again and again, the problems will come to you again and again. Obviously, your life will, journey will not be smooth. Even if you dissociate outside situations from your inner happiness, there are two things. Ek hai, theek hai, abhi hum teen situations hain. Pehla, bahar ki situation kharab hai, mere man ki situation bhi kharab hai. Worst case scenario. Second scenario, बाहर की सिचुएशन ख़राब है बट आई चूज़ ठीक है दैट्स ओके आई अंडरस्टैंड ये मेरे ही कोई कार्मिक अकाउंट रहे होंगे उसकी वजह से ऐसा बाहर मेरे साथ हो रहा है आई एक्सेप्ट इट एंड आई टॉलरेट इट मैं अपने अंदर से फिर भी स्टेबल हूँ एंड द थर्ड सिचुएशन इज़ अंदर भी अच्छा है और बाहर भी बहुत अच्छा है आप तीनों में से कौन सा चाहते हो लास्ट वन एवरीबडी ठीक है हम चाहते वही हैं अभी हम कौन सी स्टेज पे हैं सेकंड पे फर्स्ट बाहर की सिचुएशन नेगेटिव हम स्ट्रेस क्रिएट करते हैं तो ग्रेजुअली वी हैव टू कम फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड टू थर्ड फर्स्ट से सेकंड पर अगर आ गए ना आप सेकंड स्टेज इज आपने इनर स्टेबिलिटी को मेंटेन रखा इनर पावर्स को एक्वायर कर लिया तो थर्ड स्टेज ऑटोमेटिक आएगी क्योंकि वो शैडो है उसकी ओके ठीक है बट अब आपने बता तो दिया हमने समझ भी लिया जान भी लिया लेकिन इसको फॉलो करना इतना आसान है इमेजिन करके देखो अभी यहाँ पे हम सुन के चले गए और कल ही हम अपने घर वापस लौट गए जस्ट विजुलाइज करो सुबह सुबह उठे लाइट नहीं आ रही है गीजर नहीं चल रहा है पानी तो एकदम ठंडा है अभी जाना भी है टिफ़िन भी रेडी नहीं है गाड़ी की कीज़ भी नहीं मिल रही हैं क्या अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख पाएंगे ट्राई करेंगे अब आपको वो बताएंगे कि कैसे ये क्यों मुश्किल होता है क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ इसको जाना है पहले तो हम जानते ही नहीं थे लेकिन क्योंकि एक स्ट्रेस क्रिएट करने का संस्कार बना हुआ है ये पहला लेक्चर नहीं है जो आप स्ट्रेस फ्री पर सुन रहे हो पहला तो नहीं है ना कितने सुन चुके होंगे स्ट्रेस फ्री लिविंग यूट्यूब पे भी सर्च करते होंगे हाउ टू डी स्ट्रेस योर सेल्फ करते हैं ना हो गए क्या वो संस्कार इतना स्ट्रांग है वो नॉलेज से जाने वाला नहीं है अभी तक जो हमने देखा वो ऑलरेडी एक्चुअली आपको पता था कि स्ट्रेस इज़ अ नॉट ए गुड थिंग स्ट्रेस कोई अच्छा मानता है कोई अच्छा नहीं मानता लेकिन हम चेंज नहीं कर पाते हैं अब इसको चेंज कैसे करें ये समझेंगे ये साइंटिस्ट हैं डोनाल्ड हेब 1949 में इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया
न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, जो प्रिंसिपल हैबिट फॉर्मेशन का प्रिंसिपल है. ब्रेन बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्गन है, ब्रेन बहुत इंटरेस्टिंग है. ऐसा माना जाता था कि ब्रेन अगर एक बार डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसमें न्यूरॉन्स रीजेनरेट नहीं करते. जैसे लिवर अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो लिवर में लिवर सेल्स रीजेनरेट कर जाते हैं, लेकिन न्यूरॉन्स कभी रीजेनरेट नहीं करते, दोबारा से बढ़ते नहीं हैं. दैट इज़ ट्रू. लेकिन देर इज़ अ पिक्यूलियर फीचर अबाउट ब्रेन विच इज़ साइनैप्टिक प्लास्टिसिटी. ये देखिए, एक न्यूरॉन है, ये सेकेंड न्यूरॉन, थर्ड न्यूरॉन, राइट? और इनके बीच में कनेक्शंस होते हैं विच आर नोन एज साइनैप्सिस. जब भी हमारा कोई रिस्पॉन्स होता है, मान लीजिए बाहर से कोई ट्रिगर हुआ और हमने एक तरह का रिस्पॉन्स किया, फॉर एग्जाम्पल समबडी ऑफर्स यू अ सिगरेट, ठीक है, अब हम सोचेंगे सिगरेट पिए नहीं पिए, राइट? तो दिस इज द सर्किट, एक ये इम्पल्स जो जाएगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, थिंकिंग जो हम सोच रहे हैं, दैट ट्रेवल्स एज अ थॉट इम्पल्स, एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. ये है आई, चलो यार ले लेते हैं सिगरेट, एंड दिस इज द सर्किट, नहीं नहीं मुझे नहीं लेना है, लेकिन हमने क्या किया, ले लिया. अब एक बार लिया, दो बार लिया, तीन बार लिया, धीरे धीरे क्या होगा, लेने से ये वाला जो सर्किट है ना, लेने वाला सर्किट, वो स्ट्रांग होता जाएगा. आप देखो यहाँ का सिनैप्स कनेक्शन और यहाँ का कनेक्शन, और जो नहीं लेने का सर्किट था विच वॉज सेइंग नो डोंट टेक इट, वो जो कनेक्टेड था भी वो ब्रेक हो जाएगा. तो स्मोकिंग इज नॉट ए गुड हैबिट. हम बता भी दें कि छोड़ दो, लेकिन लोग क्यों नहीं छोड़ पाते, अल्कोहल क्यों नहीं छोड़ पाते, ड्रग्स क्यों नहीं छोड़ पाते, क्योंकि उनकी वायरिंग इतनी पक्की हो जाती है कि अब उनको पता भी है कि हमें नहीं लेना है, लेकिन वायरिंग इतनी पक्की है जैसे ही ट्रिगर आएगा वो तुरंत सिग्नल यहाँ से यहाँ चला जाएगा, नो वाला सर्किट बिल्कुल ख़त्म हो गया है. तो एक स्ट्रांग पाथवे, एक वीक पाथवे, ट्रिगर सेम है लेकिन स्ट्रांग पाथवे ज़्यादा हो गया, वीक पाथवे ख़त्म हो गया. लेकिन इसमें एक कैच है, कैच जो आपने देखा, क्या जिस पाथवे को आप बार बार यूज़ करेंगे वो स्ट्रांग होता जाएगा, जिस पाथवे को यूज़ नहीं करेंगे वो ब्रेक होता जाएगा. तो क्यों ना हम पॉजिटिव हैबिट के लिए ये काम यूज़ करें. अगर हम स्मोकिंग अल्कोहल के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो अगर हम एक बार अपने आप को डी स्ट्रेस कर लें और बार बार डी स्ट्रेस की प्रैक्टिस करें, शुरू में हो सकता है मेहनत लगेगी, स्ट्रेस आने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर हम अपना करेज से उसको अपने आप को समझाएं कि नहीं मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये सर्किट बनता जाएगा जो टूट गया था, और जो सर्किट बन गया था स्ट्रेस का वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है. तो दिस इज़ सिनैप्टिक प्लास्टिसिटी, दिस इज़ द बेसिस ऑफ इम्प्रेशंस और संस्कार फॉर्मेशन इन द ब्रेन. संस्कार ऐसे ही बनते हैं और ऐसे ही चेंज होते हैं. तो नंबर वन, इससे मैसेज क्या मिलता है कि संस्कार्स कैन बी चेंज्ड. ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस तो मेरी आदत ही है, जैसे हम बहुत कॉमनली कह देते हैं ना, ये चेंज नहीं हो सकती, ये तो मेरी आदत है, या हम दूसरों को बोल देते हैं कि आपकी आदत कभी बदल ही नहीं सकती. नेवर से दिस. संस्कार कैन चेंज, हैबिट्स कैन चेंज, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो छोटी से छोटी चाय पीने की ही आदत क्यों ना हो, यू कैन चेंज इट, लेकिन समय लगेगा, राइट? थॉट्स हमने देखा वो कॉन्स्टेंटली न्यूरॉन्स में फायरिंग करते रहते हैं. तो अब क्या है, मान लीजिए हमारे साथ एक हादसा हुआ, किसी ने हमें कुछ मतलब ऐसा बोला जो थोड़ा ऑफेंसिव था, अब उसने हमें बोल दिया, हमें थोड़ा सा उस समय अच्छा नहीं लगा, लेकिन हम क्या करते हैं, घर आके उसके बारे में सोचते हैं, उसने ऐसे बोला, ठीक है. क्या हो रहा है, जब आप सोच रहे हो तो वो आपके ब्रेन में फायरिंग कर रहा है, कर रहा है फायरिंग, वो सर्किट को बना रहा है. ये एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया, एक मंकी को लिया, एक मंकी को एक बनाना दिया खाने के लिए, ठीक है, और उन्होंने उसकी ब्रेन की मैपिंग की और देखा कि ब्रेन के कौन से एरियाज एक्टिवेट हुए. अब उन्होंने एक और मंकी को लिया, उसको बनाना दिया, एंड द फर्स्ट मंकी इज़ जस्ट वॉचिंग दिस बनाना, मंकी ईटिंग द बनाना, और फिर ब्रेन की मैपिंग की, एंड दे फाउंड आउट
In both the cases, activation of brain areas was the same. चाहे वो मंकी खुद खा रहा था या सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था, एक्टिविटी सेम हो रही थी. उससे उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल निकाला जिसको कहते हैं मिरर न्यूरॉन प्रिंसिपल. मतलब जैसे हम मिरर में अपने आप को देखते हैं, वो मिरर इमेज होती है, वो रियल नहीं होता है, लेकिन एग्जैक्टली सेम दिखाई देता है. ब्रेन उस इमेज को और रियल को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है या नहीं करता है. और यही कारण होता है हमारे साथ बाहर एक इवेंट हुआ जो शायद कंफर्टेबल या फिर फेवरेबल नहीं था, अच्छा नहीं था. एक बार ही हमें बैड फील हुआ, लेकिन जब हम उसको बार बार सोचते हैं, रात भर सोचते हैं, दो तीन दिनों तक सोचते हैं, और कई बार तो दिनों दिन महीने सोचते हैं, तो वो उसका सर्किट, क्योंकि वो सोचने के लिए जो हो रहा है ब्रेन के लिए, वो वैसा ही है जैसा उसके साथ वो रियल में फिर से हुआ हो. तो बाहर किसी ने हमें एक बार ही बोला, एक बार ही उसने हमारे साथ गलत किया, लेकिन हमने उस चीज़ को जब रिपीट किया तो ब्रेन ने उसको कैसे लिया, जैसे फिर से वो हुआ हो. तो उसने एक बार ही किया, हमने कितनी बार ही किया, आपने सुना भी है ना, ये चीज़ सुनी होगी कई जगह कि हम जब बार बार रिपीट करते हैं, उसने एक बार ही किया, हमने बार बार, लेकिन उसका साइंटिफिक प्रिंसिपल इज दिस. क्योंकि ब्रेन के लिए रियल और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं है. और तभी फिर जो स्ट्रेस है वो किस में बदल जाता है, डिप्रेशन में. एवरीबडी डज नॉट गेट डिप्रेस्ड, लेकिन कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं. एक दिन में कोई डिप्रेशन में नहीं जाता. आज इवेंट हुआ, कल डिप्रेशन हो जाए, ऐसे नहीं होता. जब वो उसको सोचता रहता है तो ब्रेन उसको वैसे ही लेता है जैसे रियल में वो हुआ है, और वो सर्किट बनता रहता है. राइट? अब हम इसको क्या पॉजिटिव के लिए यूज़ कर सकते हैं? हर चीज़ का एक पॉजिटिव आस्पेक्ट होता है, एक नेगेटिव आस्पेक्ट होता है. हमने हर चीज़ को नेगेटिव आस्पेक्ट में यूज़ करना शुरू कर दिया, वहीं गलती की. एक्चुअली में अगर देखा जाए ना, स्ट्रेस अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हमने स्ट्रेस किन चीज़ों के लिए लेना शुरू किया? बाहर के अटेनमेंट्स के लिए. ठीक है, जो हमें पता है वो किसके बिना नहीं मिलेंगी, जब तक कि हमारी इनर फुलफिलमेंट नहीं होगी. ठीक है, अगर आप इसके लिए जो इनर अटेनमेंट्स हैं उनके लिए स्ट्रेस लेते, तो इनर अटेनमेंट्स भी हो जाती और बाहर की तो हो ही जाती. करेक्ट है? ठीक है, तो वो फिक्र अच्छी फिक्र है, बाहर की फिक्र बेबुनियाद है, वर्थलेस है. अच्छे के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? यू नो दिस मैन, एनीबडी? ही इज नेपोलियन हिल, राइटर ऑफ बेस्ट सेलर बुक थिंक एंड ग्रो रिच. आप लोगों में से किसी ने पढ़ा भी होगा. इसमें उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है. व्हाट ही डिड, ही क्रिएटेड अ इनविजिबल काउंसिल विद इनविजिबल काउंसलर्स. मींस इन हिज मेंटल इमेजिनेशन ही क्रिएटेड अ काउंसिल विद दीज 9 पीपल, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ अमेरिका, एंड ही यूज्ड टू टॉक विद देम. ओके, यू हैव दिस क्वालिटी, हाउ डिड यू गेट दिस क्वालिटी, एंड हाउ डिड यू सक्सीड इन योर बिजनेस. एंड यू नो वॉट, आफ्टर 3 months, he found that those qualities which these men had, he found those qualities in himself. That is creative imagination. What you are thinking actually. So if he is just talking to them, okay, you have this quality of honesty, or you have this quality of smartness. If he is thinking about that in his visualization, actually he is making those circuits in his brain of those qualities. इसीलिए कहते हैं जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे. गाना भी है ना, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, ये वही principle है. और आजकल हम ज़्यादातर क्या सोचते हैं, ज़्यादातर किसके बारे में सोचते हैं? वो पड़ोसी के बारे में जो बहुत ख़राब है, ऑलरेडी ख़राब है. अब वो तो ख़राब है, उसके बारे में सोचेंगे तो कौन ख़राब बनेगा, वो बनेगा ख़राब या हम बनेंगे? तो उसके बारे में सोचना किसका नुकसान कर रहे हो, उसका या अपना?
उसका भी कर रहे हो, भाई उसके बारे में नेगेटिव सोचेंगे तो उसको भी नेगेटिव वाइब्स दे रहे हो और अपना भी नेगेटिव नुकसान कर रहे हो। तो अपनी थिंकिंग फैकल्टी जो हमें भगवान ने दी, गॉड ने दी, इतनी अच्छी थिंकिंग फैकल्टी, एनिमल्स को नहीं दी इतनी थिंकिंग फैकल्टी, उसका हम कैसे मिसयूज़ एब्यूज़ कर रहे हैं। एब्यूज़ इज़ नॉट अ रॉन्ग वर्ड फॉर दिस, एब्यूज़ ही हुआ ना। थिंकिंग फैकल्टी को प्रोडक्टिव लगाना चाहिए था और उससे हम अपना भी नुकसान कर रहे हैं, वी आर डिटेरियोरेटिंग और दूसरे को भी। आप छोटा सा आप खुद ही समझ सकते हैं, एक व्यक्ति जिससे आपकी नहीं बनती है, जो बहुत गुस्सा करता है, उसके दिन में पूरा दिन सोचो, शाम तक आते आते आपका भी मिजाज कैसा हो जाता है, कैसा हो जाता है, क्यों हो जाता है? आप लोगों ने सोचा, आप लोग तो डॉक्टर्स हैं, कोई पूछे ऐसा कैसे हो जाता है? क्यों? क्योंकि वो थिंकिंग आपका सर्किट एक्टिवेट कर रही है, वो मंकी एक्सपेरिमेंट से देखा ना हमने। अब हमें इसको ऑपोजिट रिवर्स वे में यूज़ करना है। प्रिंसिपल इज़ वेरी गुड कि सोचने से आप बन जाओगे, तो क्यों ना हम इसको पॉजिटिव में यूज़ करें। हम कैसा बनना चाहते हैं, कैसा बनना चाहते हैं, अच्छा या ख़राब? पक्का? पहले तो ये डिसाइड करो, अच्छा बनना चाहते हो या ख़राब? डोंट टेक दिस क्वेश्चन फॉर ग्रांटेड। आजकल दुनिया में सब कुछ होता है। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, नहीं हम तो ख़राब बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अच्छी अच्छे लोगों की परवाह नहीं है दुनिया में। दैट इज़ नॉट द राइट थिंग। वो आप धीरे धीरे सीखेंगे, क्योंकि जो आप करोगे उसका फल तो आना ही है। डोंट थिंक कि आज आप गलत कर रहे हो, शॉर्ट टर्म गेन आपको हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको नुकसान दिखाएगा ही दिखाएगा। तो अच्छाई हमेशा सत्यमेव जयते इसीलिए कहा जाता है, दैट इज़ ट्रू। ठीक है, अब अच्छा बनना चाहते हैं तो उसका सिंपल प्रिंसिपल क्या सीखा हमने? कैसे बनेंगे अच्छा, कैसे बनेंगे अच्छा? मुश्किल है सोचना। बच्चा पैदा होता है, थॉट उसका स्टार्ट हो जाता है ना। अच्छा, आपने कभी ये सुना है किसी बिल्ली ने ख्याल किया, बिल्ली ने सोचा, डॉग ने सोचा, ऐसा कभी सुना है? पंचतंत्र में सुना है, लेकिन कभी ऐसा रियल लाइफ में आपने देखा है कि किसी बिल्ली को ख्याल आया? एक्चुअली में इमेजिनेशन पावर, ये विजुअलाइजेशन पावर, ये ख्याल करने की, सोचने की पावर, ये किसके पास है? दिस इज़ यूनिक टू ह्यूमंस, और ये हमें इसीलिए मिली है कि हम इसको यूज़ करें टू आवर ओन बेनिफिट। तो हम इतना दूर दूर जाते हैं ना, मंदिरों में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, अच्छा बनने के लिए, कुछ अच्छी चीज़ें आ जाएं। और है कितना आसान, बैठे बैठे बस अच्छा सोचते जाओ, अच्छे इंसानों के बारे में सोचते जाओ, अच्छा बनते जाओगे। सिंपल सिंपल। पैसा लगा इसमें? पैसा लगा? फिजिकल एक्टिविटी लगी? नहीं लगी? सोचना तो हमें बचपन से आता है, लेकिन क्या सोचना है वो नहीं पता था, राइट? सिमिलरली रॉबिन शर्मा, अगेन बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, ही शेयर्ड कि उनके एक फ्रेंड ने उनको एक रोज़ दिया, उसकी फ्रेग्रेंस दी, और फिर उसके बाद सिर्फ कहा कि आप इसको फील करो फ्रेग्रेंस को, और कुछ दिनों बाद वहाँ रोज़ नहीं भी था, तो आइज़ क्लोज करके कहा कि अच्छा बताओ रोज़ है? एंड ही सेड यस है, क्योंकि ब्रेन में वो इम्प्रेशन क्रिएट हो गया सिर्फ सोचने से। तो सोचना हमारे को बनाता भी है और बिगाड़ भी सकता है। इस मैसेज को सदा याद रखना, हमेशा याद रखना। इसलिए आई ऑलवेज टेक केयर कि मैं क्या सोच रहा हूँ। सोचने से ही वी नो, पहले एक थॉट होता है, थॉट से फिर इमोशन बनता है, और फिर उसके बाद एक्शन होता है। तो स्टार्टिंग लेवल ही थॉट है। अगर आपने थॉट को अपना कंट्रोल करना सीख लिया तो ईजी हो जाएगा। तो एनी ब्रेन सर्किट, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल दिस यंग बॉय, ही वॉज इन अ बैड हैबिट, तो उसका ये सर्किट था बिकॉज वो गलत गलत सोचता था, राइट? बट देन ही डिसाइडेड दैट आई विल चेंज, और चेंज कैसे करूँगा? आई विल जस्ट थिंक अबाउट प्योरिटी, मीन्स प्योर थॉट्स ओनली, आई विल रीड प्योर गुड बुक्स, I will be among good people, I will just think about goodness, I will think about good people only,
ओके एंड देन जस्ट बाय थिंकिंग प्रोसेस हिज सर्किट चेंज्ड. तो हमारा जो हम हैबिट कहते हैं ना कि संस्कार कैसे बदलें, एनी संस्कार एनी हैबिट कैन बी चेंज जस्ट बाय रिपीटेड थॉट विजुअलाइजेशन. इट इज दैट इजी एंड यू सी द साइंटिफिक प्रिंसिपल बिहाइंड. एंड व्हाई दिस इज यूनिक टू ह्यूमंस, बिकॉज इमेजिनरी न्यूरॉन सिस्टम, दीज आर इमेजिनरी न्यूरॉन्स विच यू सी आर यूनिक टू ह्यूमंस, नो अदर स्पीशीज हैव इट. दैट्स व्हाई ओनली ह्यूमंस कैन इमेजिन. एंड दिस इज सच अ स्ट्रॉन्ग यूनिक गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू अस. एंड दैट्स व्हाई ह्यूमंस आर यूनिक. दे आर एंडाउड विद दिस गिफ्ट विच गॉड हैज गिवन अस. सो वेदर इट्स अ हैबिट ऑफ स्ट्रेस, वेदर इट्स अ हैबिट ऑफ गेटिंग लेट, वेदर इट्स अ हैबिट ऑफ राइजिंग लेट इन द मॉर्निंग, और एनी हैबिट ऑफ एंगर, एनी हैबिट ऑफ गेटिंग वरीड, यू कैन चेंज एनी हैबिट जस्ट बाय क्रिएटिव विजुअलाइजेशन एंड गेट फ्री ऑफ योर ओन बॉन्डेजेस ऑफ संस्कार्स. नाउ डेज वी आर स्लेव्स, वी आर बाउंडेजेस टू आवर ओन हैबिट संस्कार्स. इंडिया हैज गॉट फ्री बट वी आर स्लेव्स टू आवर ओन हैबिट्स एंड दिस इज नोन एज ब्रेन रिवायर. Creative imagination, brain rewire, and this is what is real meditation is. Till now, meditation for you was okay. यहाँ पर ध्यान लगाना, just या silence में बैठ जाना, या candle की light को देखना, या कोई posture में खड़े हो बैठ जाना. लेकिन उससे मेडिटेशन का पर्पस क्या है? मेडिटेशन का पर्पस है क्या है कि हमें पीस मिले. मेडिटेशन हम क्यों करते हैं? कि हमें शांति मिले, मन को शांति मिले. हाँ, शांति का सर्किट अगर आप बनाओगे तो ऑटोमेटिक शांति मिल जाएगी, राइट? तो अगर आप विजुलाइज कर रहे हो समबडी जो बिल्कुल पीसफुल है और उसी के बारे में सोचते हो, तो क्या होगा? वो उसी के बारे में सोचने से, जब हम किसी गुस्से वाले व्यक्ति को सोचते हैं और उसका गुस्सा हमारे अंदर आ जाता है, तो अगर हम किसी पीसफुल इंसान को सोचेंगे तो उसकी पीस हमारे अंदर नहीं आएगी. बट माय क्वेश्चन इज, जो सुबह रेज किया यहाँ से किसी ने, कि बाहर इतनी नेगेटिविटी है, हमें कोई दिखाई नहीं देता कोई पीसफुल है, हमें कोई दिखाई नहीं देता कोई पीसफुल भी है, क्या करें? बाहर इतनी नेगेटिविटी है. आपने बताया कि भाई बाहर का जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, वो आपके ब्रेन के अंदर जा रहा है, वो संस्कार बना रहा है. उसको कैसे अवॉइड करें? उसको कैसे अवॉइड करें? इसके लिए हम क्या एडवाइस करते हैं? ऑलवेज बी इन द रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड. इस समय में कोई भी पीसफुल, पावरफुल, लवफुल, ब्लिसफुल, नॉलेजफुल नहीं है, एक्सेप्ट, क्योंकि इस समय सभी का डाउनफॉल हो गया. हमने देखा ना, दिस इज आयरन एज. एवरीबॉडी, एवरी ह्यूमन बीइंग इज डाउन विद वर्च्यूज एक्सेप्ट गॉड. तो अगर हम गॉड को याद रखते हैं, अब मान लीजिए बाहर बहुत कुछ हो रहा है, यहाँ पर केओस है, बट बाहर केओस है लेकिन मेरा माइंड किसके बारे में सोच रहा है? गॉड के बारे में. तो मेरा संस्कार बाहर का केओस वाला बनेगा या पीस का बनेगा? गॉडली बनेगा ना. दैट्स हाउ आप यहाँ पर होते हुए भी बाहर की नेगेटिविटी को आपके ब्रेन के एंटर होने से अवॉइड कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, हिज नेम इज़ रोहन,
and he studies in class 8 and he's sitting in his class, our teacher is teaching, ठीक है, the class. लेकिन उसका ध्यान कहाँ है? प्लेग्राउंड में. तो टीचर क्या बोलती है, रोहन तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम कहाँ हो रोहन, कहाँ खोए हुए हो, राइट. उस समय में रोहन कहाँ पर है, क्लास में, टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन रोहन के अंदर ब्रेन में टीचर का एक भी वर्ड नहीं गया, जबकि वो बिल्कुल टीचर के सामने है. और उसके माइंड में क्या गया, सारे प्लेग्राउंड की जो भी प्लेग्राउंड में एक्टिविटी हो रही है वो उसके माइंड में एंटर कर रही है, राइट. तो इसका मतलब जहाँ पर हमारा अटेंशन होता है वही चीज़ हमारे ब्रेन के अंदर एंटर करती है. अटेंशन किसके हाथ में है, मेरे हाथ में है. मेरी बॉडी यहाँ हो सकती है, बाहर का एनवायरनमेंट कितना भी कैसा भी हो सकता है, बट मेरा अगर अटेंशन ध्यान गॉड की तरफ है, गॉड जो ऑल पीसफुल है, ऑल पावरफुल है, ऑल माइटी है, ऑल लवफुल है, जो भी हम क्वालिटीज़ लेना चाहते हैं, जो 7 क्वालिटीज़ हमने देखी, प्योरिटी है, तो अगर हम उसी को ही याद कर लें उस समय में तो हम बाहर के नेगेटिव वाइब्रेशन से बच जाएंगे. वो यहाँ पर किसी भाई साहब ने सवाल पूछा था कैसे बचें, एंड दैट इज़ एक्चुअली मेडिटेशन इन विच फर्स्ट वी कॉन्टेम्पलेट. कॉन्टेम्पलेट अबाउट वॉट, ओ माय गॉड इज ओशन ऑफ पीस एंड वी फील हिम इज द ओशन ऑफ पीस. वी कॉन्सेंट्रेट आवर अटेंशन ऑन हिम एंड एज वी कॉन्सेंट्रेट आवर अटेंशन ऑन हिम ऑटोमेटिकली दैट संस्कार इज रियलाइज्ड इन टू माई सर्किट. ईजी, एंड दिस इज ईजी राज योगा मेडिटेशन. इसके बारे में डिटेल्स में आपको अगले 2-3 दिन में बताएंगे, राइट. अब गॉड का रोल क्या है मेडिटेशन में, तो वो हमने देखा, ही एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर टू कॉन्टेम्पलेट एंड कॉन्सेंट्रेट. अब हम किसको याद करें, क्योंकि ह्यूमन बींग्स तो हमें कोई दिखाई नहीं देता कि जिसके अंदर वो क्वालिटीज़ हों जो हम चाहते हों, और अगर हैं भी तो वो थोड़ा बहुत ऊपर हैं. लेकिन अगर हमें कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जिसके अंदर वो क्वालिटीज़ हाईएस्ट लेवल में हैं, तो हम उसको क्यों ना याद करें, ताकि उसकी क्वालिटीज़ हमारे अंदर आ जाएं. और वो कौन है, वो गॉड है, बिकॉज ही इज़ द ओशन ऑफ ऑल दीज डिवाइन इम्प्रेशंस अ सोल वॉन्ट्स टू एक्वायर. तो सिंपल हमने फंडा क्या देखा, इनर क्वालिटीज़ होंगी सोल की, आउटर मटेरियल पोजेशंस ऑटोमेटिक आएंगे, तभी ये संसार जो है, ये वर्ल्ड है, रियल में ब्यूटीफुल बनेगा. ये अगली क्यों बना, अगली इसलिए बना, पहले हमारी इनर क्वालिटीज़ लूज़ हुई, इनर क्वालिटीज़ लूज़ हुई तो आउटर भी अनहैप्पीनेस सॉरो सब कुछ हो गया. अब हमें अगर इसको फिर से ब्यूटीफुल बनाना है तो हमें पहले अंदर को ब्यूटीफुल बनाना होगा, बाहर तो ऑटोमेटिक ब्यूटीफुल बन जाएगा. अंदर को ब्यूटीफुल बनाने का, जब बाहर नेगेटिविटी है, आसान तरीका क्या है, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन. सर्किट चेंज होता जाएगा, और किसके ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, गॉड के ऊपर, तो गॉड से वो पावर लेते जाएंगे, अपने अंदर भरते जाएंगे, वो प्योरिटी आती जाएगी. एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड, नॉलेज इज लाइट, मेडिटेशन इज माइट. हम एक, आप जंगल विजुलाइज कीजिए, एक जंगल है और आप उसमें फंस गए हो. ये दुनिया भी ऐसे ही है, हम फंस गए हैं. अब हमें एक रास्ता दिखाने वाला चाहिए. किसी ने सुबह पूछा था कि राइट पाथवे कैसे चलें, तो पहले राइट पाथवे क्या है वो हमने देखा. तो नॉलेज कि क्या सही है, अब आपको समझ में आ गया ना कि डिवाइन वर्चूज़ होंगे तो बाहर की चीज़ें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी, और कैसे हम मेडिटेशन करते हैं. तो ये लाइट थी, तो अब आपको लाइट तो दिखाई दे गया कि भाई ये रास्ता बाहर निकल रहा है हमें जंगल से. लेकिन अब आप इतने थके हुए हो जंगल में, क्योंकि इतना भटक चुके हो ना जंगल में, अब चलने के लिए ताकत भी तो चाहिए. माइट, माइट मींस पावर, वो पावर हमें मिलती है मेडिटेशन से. तो जब हम मेडिटेट करते हैं तो वो पावर ऑटोमेटिक आती है, वो सिर्फ क्रिएटिव विजुलाइजेशन से हम अपने अंदर एक्वायर कर सकते हैं. एंड दिस नीड्स प्रैक्टिस. और फिर एक्चुअली में ये वर्ल्ड ड्रामा में जो हमारा एक्ट होना चाहिए वैसा होगा, बेटर होगा और इफ़ेक्टिव होगा. बेटर मतलब अभी जो हम कर रहे हैं हमें नहीं पता वो एक्चुअली में हमारा एक्ट जैसा होना चाहिए वैसा है भी या नहीं है. और फिर वो इफ़ेक्टिव जो वर्ल्ड को एक ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं वो बन रहा है नहीं बन रहा है.
हम में से कोई चाहता है कि वर्ल्ड अगली बने? कोई नहीं चाहता, लेकिन उसका तरीका भी तो पता होना चाहिए ना. एंड दिस इज व्हाट गॉड टेल्स अस. रेपिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ही इज लाओसी, ही वॉज अ चाइनीज मास्टर. उनकी स्टोरी से आप समझ सकते हैं रेपिटेशन का क्या सिग्निफिकेंस है. एक बार क्या हुआ, ही वॉज टीचिंग हिज डिसाइपल्स और उन्होंने कहा कि भाई गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा अच्छी बात नहीं है. तो सब ने कहा सत्य वचन महाराज, ठीक बात है, राइट ओके. एक व्यक्ति था वो उनके पास अगले दिन आया कि महाराज मुझे समझ नहीं आया, आपने क्या समझाया, दोबारा समझाइए. तो महाराज ने दोबारा बता दिया. तीसरे दिन फिर आ गया वो, चौथे दिन फिर आ गया. अब बाकी लोगों को समझ नहीं आता, इतनी छोटी सी तो बात है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, बस नहीं करना चाहिए. वो 21 दिन तक आता रहा. ठीक है, महाराज जी ने समझाना ठीक समझा, समझाते रहे. 22nd डे वो नहीं आया. ठीक है, अब फिर वही महाराजा उनके चेले गए उसके घर. भाई क्या हुआ, अब दरवाज़ा नॉक नॉक किया, खोला नहीं खोला, नहीं खोला, खोल दिया इस बारी खोल दिया इस बारी. तो वो सामने बैठा था, नहीं बैठा था, हाँ चलो खड़ा हुआ था, बैठा हुआ था ओके वो था. तो उसे पूछा आज आप नहीं आए? तो उसने कहा अब मुझे समझ में आ गया. तब फिर अब उनको समझ नहीं आया जो उनके चेले थे कि ये क्या बात हुई, पहले दिन भी तो यही बताया था, 21 दिन तक यही बताया. तब लाओत्सी एक्सप्लेन्ड, आपको पता है जितने भी लोगों ने सुना था वो उन्होंने सुन तो लिया लेकिन उसको वो फॉलो नहीं कर पाए. सुन तो लिया, पता तो है, बट दे कुड नॉट वॉक दैट पाथ. ही इज़ दी ओनली वन ही हु रियली इज वॉकिंग ऑन दैट पाथ. क्यों? क्योंकि रिपीटिशन चाहिए ब्रेन को. आपने देखा था ना वो सर्किट वाला, ब्रेन दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर. वो फायरिंग एक बारी से नहीं होगा, वो अगर आपको वायरिंग करनी है, पक्का संस्कार बनाना है, तो आपको बार बार करना होगा. इसीलिए आज आपने लेक्चर सुन लिया, फिर आप बिजी हो गए अपने काम में, सत्संग बहुत अच्छा लगा, सेशन बहुत मज़ा आया, बहुत बढ़िया था, लेकिन फिर बिजी हो गए, रिपीटिशन किया नहीं, वो चेंज नहीं होगा. तो इसमें मेरी गलती है आपकी गलती? तो रिपीटिशन इज इम्पॉर्टेंट. दैट्स वाई यहाँ पर डेली ये सारे जो नॉलेज है टू बिकम अ बेटर पर्सन, टू इनकलकेट दोज डिवाइन वर्च्यूज, डेली पढ़ाई होती है इवन ऑन संडेज. और ऐसा नहीं कि जाना पड़ता है, लाइक वॉट आई डू इज एट होम कम्फर्ट, वो ऑनलाइन होता है, बहुत सारे हैं आपको बताएंगे, ऑनलाइन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप जा भी सकते हो, लेकिन डेली होता है. कोविड में भी एक भी दिन मिस नहीं हुआ. वाई? बिकॉज गॉड सेज वाई शुड आई डिप्राइव माई चिल्ड्रेन ऑफ दिस वैल्यूएबल नॉलेज इवन वन डे. सो रेपिटिशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो अब एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लें. एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एक रियल लाइफ सिचुएशन है. अ पर्सन शेयर्ड कि उसके ऑफिस में एक बॉस है जो बहुत रूड हैं. अब वो चाहता है कि वो पॉजिटिव सोचे और स्ट्रेस ना हो, भाई काम तो करना है, तो क्या क्या स्टेप्स करने चाहिए उसको, उसने पूछा. तो सबसे पहले सिचुएशन क्या है यहाँ पर, बॉस इज रूड. What should be my response? What are the choices for my thoughts? अब मेरा response एक stress का हो सकता है, दूसरा response हो सकता है कि ठीक है, I will not create stress. I understand कि मेरा कोई कार्मिक account था तो ये ऐसा boss मुझे मिला, that's okay. अब मुझे क्या करना है, तो I will explore कि मुझे कैसे thoughts create करने हैं towards him. पहला acceptance का, और फिर उसके बाद गुड विशेस का. क्या बेनिफिशियल ज़्यादा है, टॉक टू योर माइंड एंड कन्विंस. और ये जो कॉन्टेम्पलेशन है ये तभी आता है जब हमें नॉलेज होगी. अब हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास चॉइसेस क्या क्या हैं, तो हम चूज़ क्या करेंगे. इसीलिए अभी हम सब म्यूट हैं. क्यों म्यूट हैं? क्योंकि हमने एक ही पैटर्न पे चले आ रहे हैं, बस बॉस रूड है तो स्ट्रेस तो होगा ही और हम परेशान होंगे ही होंगे. ये हमारा एक पैटर्न बन गया है. वी हैव स्टॉप्ड एक्सप्लोरिंग चॉइसेस, और वो चॉइसेस हमें नॉलेज में मिलते हैं. एक बार हमें वो चॉइसेस मिल जाते हैं, हम उसको फिर विजुलाइजेशन ऑफ द सीन विद द न्यू रिस्पॉन्स. तो हमने उसको बताया कि अब आप क्या करो,
उसने शेयर किया कि जब भी मेरा बॉस सामने आता है ना, मुझे बहुत डर लगता है, और ये देखकर जो बॉस रूड है वो एन्जॉय करता है। ठीक है, तो हमने कहा अब आप क्या करो कि बॉस के सामने जाना लेकिन आप स्माइल करना। तो उसने कहा चलो ठीक है मैं ट्राई करूँगा, जैसे आपने कहा ना हम ट्राई करेंगे। 5 दिन बाद आया, कहता आपका फॉर्मूला फेल है। मैं गया उनके सामने, उनको देखते ही मेरे चेहरे पर एकदम से डर आ जाता है और वो स्माइल करके निकल जाते हैं। मैंने कहा अच्छा अब थोड़ा चेंज करो इसको, अब क्या करो आप सुबह सुबह अपने साथ बैठना और बॉस को अपने विजुअल मेंटल इमेजिनेशन में इमर्ज करना और देखना वो बॉस आ रहे हैं, उनका वो चेहरा देखना, और अब आप देखना कि आप स्माइल कर रहे हो, वो एक जैसे सपना देखते हो ऐसे एक विजुलाइज करना। तो उसने कहा ठीक है। तो फिर वो आया 20 दिन के बाद, वो व्यक्ति 20 दिन के बाद मेरे पास जब आया, उसने क्या बताया, कहता सर मिराकल हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? कहता है सर कल मैं बॉस के सामने गया ना, तो इस बारी मैं स्माइल करने लगा और इस बारी मैं नहीं डर रहा था, बॉस शॉक हो गया। अरे ये क्या हो गया? बॉस गॉट शॉक्ड कि जो मुझे देखते ही डर जाता था वो मेरे सामने स्माइल कर रहा है, ही सो काम। तो ये तो मिराकल हो गया ना। मैंने कहा हाँ हो तो गया, लेकिन हुआ कैसे ये तो बताओ। कहता सर जो आपने बताया था ना शुरू शुरू में, तो जब मैं उनको विजुलाइज करता था तो मुझे वही एकदम से डर का, क्योंकि वो संस्कार इतना स्ट्रांग बना हुआ था, लेकिन क्योंकि वो कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर था तो मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं विजुलाइज करता रहा और ज़बरदस्ती स्माइल करते रहा और देखते रहा कि नहीं मैं स्माइल कर रहा हूँ, मैं स्माइल कर रहा हूँ। कितनी बारी मैंने रिपीट किया उसमें तो कोई लिमिट नहीं है, और मैं इसको रेगुलर करता रहा। शुरू के हफ्ता भर मुझे दिक्कत आई, बट आफ्टर अ वीक मेरे लिए इतना ईजी हो गया। अब मैं ईजीली विजुलाइज करता था कि बॉस सामने से आ रहा है अपना खड़ूस चेहरा लेकर और मैं स्माइल कर रहा हूँ, और मेरे लिए इतना विजुलाइज करना इतना ईजी हो गया। और मैं जब गया ना उनके सामने, क्योंकि वो पैटर्न बन चुका था अब, तो सामने उसके ऑटोमेटिकली स्माइल आ गई। हाउ ईजी यू कैन चेंज योर संस्कार विच यू डोंट लाइक एनी थिंग बाय दिस सिंपल मैनूवर। तो जो दो प्रोसेसेस थॉट के बताया आपको, माई बॉस इज हार्श, नॉर्मल प्रोसेस क्या है, हेट्रेड एंगर का इमोशन होता है, हम अवॉइड करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उसको कॉपरेट नहीं करते, उससे किसका नुकसान होता है, आवर। लेकिन अगर हम अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर दें, प्योरिटी ऑफ थॉट ले आए, मतलब उसके लिए गुड थॉट क्रिएट करें, क्या माई बॉस इज गुड बट लिटिल इल, इमोशन ऑफ कंपैशन एंड गुड विशेस। तो एटीट्यूड कैसा होगा, अंडरस्टैंडिंग एंड केयर, क्योंकि थॉट इमोशंस अच्छे हैं तो हमारे एक्शंस भी हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा सपोर्ट देंगे फिर भी समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग, और अल्टीमेटली उससे फ़ायदा किसको होगा, क्योंकि बॉस से पंगा लेकर तो नुकसान तो अपना ही है, हमें ये पता भी है, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा पैटर्न एक थॉट का ऐसा बना हुआ है। गॉड हमें नया पैटर्न, एक बेटर पैटर्न जो हमारे लिए और उसके लिए दोनों के लिए बेनिफिशियल हो, वो सिखाते हैं, विच आई हैव लर्नड इन माई लाइफ। आई लाइक दिस पेंटिंग अ लॉट, ही इज लियोनार्डो बॉफ, ही इज अ वेस्टर्न फिलोसोफर, ही पेंटेड दिस मैन एज द लॉर्ड एंड मास्टर ऑफ नेचर। वी आर द मास्टर ऑफ आवर नेचर, ऑफ आवर ओन सेल्फ, एंड वी कैन क्रिएट आवर डेस्टिनी वट एवर वी वॉन्ट टू सी। हाउ ही इज पेंटिंग नेचर मीन्स वी कैन पेंट आवर ओन डेस्टिनी, डेस्टिनी इज इन माई हैंड, आई हैव द पावर टू चेंज माई नेचर, माई संस्कार, एंड संस्कार चेंज विल ब्रिंग अ चेंज इन योर डेस्टिनी। सो वॉट वी हैव लर्नड, soul is the doer, you should know the right emotion to create and the right code of conduct in any situation, there are two different things. So amygdala also has to be positive, and then thinking process which is done by prefrontal cortex, the intellect also has to be right. For example, we think anger is a natural response to anybody insulting us. No, this is a wrong wisdom.
Who can tell us all these things? God. So godly knowledge empowers us with the right code of conduct. And when you practice it by visualization, the creative visualization, which is nothing but meditation, the knowledge which you gain actually comes into action. And when you change, the world changes. Thank you for your kind attention. So we have 10 minutes. Questions from the previous session and this session. Okay. Sir? Yog, yes. इतना चीज, इतना important, valuable asset मिल जाए और फिर हम उसको use ना करें तो ये तो foolishness है. I never pass a day without yoga or meditation. Because मुझे पता है ना, success सबको चाहिए material success. Who does not want material success? और उसमें खराबी क्या है? I don't like those people जो कहते हैं कि छोड़ दो इन चीज़ों को, क्या इन चीज़ों के पीछे भागना. ये चीज़ें भी तो ज़रूरी है. You need money, you need material things in your life, but उसका मंत्रा क्या है वो हमें समझ में आ गया ना. Unless you have inner power, वो outer आपको success मिलेगा ही नहीं. That's how we have lost outside pleasures and that's the way to regain them. तो मेडिटेशन से आई रीगेन माई इनर पावर्स और मुझे पता है कि वो ऑटोमेटिक मिलेगा और वो मिल रहा है, वो मिलता है. वो शैडो है, कहते हैं ना शैडो के पीछे जितना भागोगे कभी नहीं पकड़ पाओगे. इंसान की आज वही हालत है, वो मटेरियल पोजीशंस के पीछे भाग रहा है. वहाँ पर भागना गलत है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग कि आप किसके पीछे भागो टू गेट द इनर पावर्स, तो मटेरियल पोजीशंस तो ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करेंगी. Okay, right. So number one, when we label them as evil people, it's like when we point finger to the other person, the three fingers are pointing towards us. If we check us, aren't we sometimes harsh? Aren't we sometimes angry? How can we forget those moments and point fingers to the other person? To say that everybody, because the drama, the world drama is like that. It's bound to fall. So everybody has fallen. So we should never say these people, all of us have become like evil souls. This is true. Evil soul is one who has the vices of lust, anger, greed, attachment, ego, jealousy, okay, procrastination, laziness. These are all vices. Okay? So evil souls are those who have evil qualities.
एंड ऑल ऑफ अस मे बी इन सम प्रपोर्शन ऑफ द अदर, मे बी यू हैव लेस आई हैव मोर, प्रपोर्शन मे वेरी बट ऑल ऑफ अस आर लाइक दैट एंड दिस इज ओके, वी नो दिस इज अ ड्रामा. ओके नेक्स्ट, नाउ डू वी वॉन्ट अ वर्ल्ड लाइक दिस ओनली, दैट्स आई आस्क्ड, डू यू रियली वॉन्ट टू बी हैप्पी और नो, डू यू लाइक दिस काइंड ऑफ वर्ल्ड? यस. यू आर ओके विद दिस नेगेटिव वर्ल्ड? सो द वर्ल्ड इज नेगेटिव नाउ इट इज नो, सो वी डोंट वॉन्ट दिस वर्ल्ड टू बी अ नेगेटिव वन, वी वॉन्ट टू चेंज दिस वर्ल्ड. ओके, द चेंज, द प्रोसेस ऑफ चेंज इज सच दैट वंस इफ यू वॉन्ट टू ब्रिंग पॉजिटिविटी इन टू अदर्स, फर्स्ट यू हैव टू बी पॉजिटिव. ओके, इनकलकेट पॉजिटिव वैल्यूज एंड देन अदर्स फॉलो. इट्स अ कॉमन एग्जाम्पल, यू मस्ट हैव सीन ऑन द रोड्स वेन वन बाइक क्रॉसिस जम्प्स द रेड लाइट, अदर बाइक्स ऑल्सो जम्प्स द रेड लाइट, बट इफ वन कार स्टॉप्स अदर कार्स ऑल्सो स्टॉप. आई हैपन टू गो टू जापान एंड आई सॉ द सेम इंडियंस, द सेम इंडियंस who used to spit here and there on the road in India, they are very mannerful in Japan because they see people around walking in discipline, everything is disciplined. So our basic nature is to follow each other. But now when everybody is bad, when everybody is bad means it's a cycle, it's okay, it's destined to be like that only. When everybody is devoid of those good virtues, then whom we to look upon? That's why in these times, we look upon only to God, who is still left out, who is not maligned. Okay? And then when we concentrate on Him, we acquire those values just by visualization and thinking. And that's this principle. Is the principle taught by God that a sanskar, a sankalp can change your sanskar and a sanskar change can bring change in the world. So sankalp se srishti nirman. Ek sankalp, agar aapka sankalp theek ho jaye, to srishti change ho jayega. Right? Second question, ab kisi ek person aapke samne hai, jo achha nahi hai, uske samne hum smile kaise kare? Right? इग्नोर करें, बेटर टू इग्नोर, अब स्माइल नहीं कर पा रहे हैं, इग्नोर कर दें, वही तीनों ग्रेडेशंस है. नंबर वन, तीन ऑप्शंस है आपके पास. पहला, सामने वाला पर्सन हार्श है, आपने भी हार्श होकर उसको सुना दिया, दिस इज़ वन ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन, वो हार्श है, आप चुप रहे, सिर्फ बाहर से नहीं, इनर ऑल्सो, इनर साइलेंस ऑल्सो. थर्ड ऑप्शन, उसने बहुत कुछ सुनाया, आपने नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया बल्कि उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन दिया कि कोई दैट्स ओके, आपकी नेगेटिविटी भी कम हो जाए. एटलीस्ट वाइब्रेशंस तो दे सकते हो ना, गुड विशेस तो दे सकते हो ना. विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन? थर्ड वन, हम जानते हैं. बट येस, आई एग्री कि वो इमिजिएटली नहीं होगा. तो पहले, अभी हम किस ऑप्शन पे? अभी हम मोस्टली फर्स्ट ऑप्शन पे. कोई हमें बोलता है, इमिजिएटली रिएक्ट कर देते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं. उसने इतना बोला, अच्छा मैं उसको दो और सुनाता हूँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? दिस इज कॉमन. ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स में नहीं है, होता है. अभी हम एक, हमारे कोई कुलिक बोल दे, अच्छा उसने मुझे ऐसे बोला, ठीक है मैं भी उससे बात नहीं करूँगा, इट्स अ रिजेंटमेंट, वो नेगेटिव है. एटलीस्ट आप वहाँ पर न्यूट्रल हो जाओ और धीरे धीरे जैसे जैसे आप ये नॉलेज को और आगे मेडिटेशन करते हो तो फिर आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आती जाती है और फिर आप स्माइल भी कर पाते हो, चाहे सामने वाला आपको गुस्सा भी कर रहा है. आप यहाँ पर देखेंगे, ऑल पीपल आर स्माइलिंग. आप उनसे कैसा भी बात करके देखना, वो फिर भी आपको स्माइल ही पास करेंगे. वो भी प्रैक्टिस करके ऐसे बन गए एंड यू कैन बिकम लाइक दैट टू. ओके, ओके. सो
So, like, okay. So, what happens? This is a drama cycle which you will learn. There is a separate session on that. We have told that initially there was a golden age, then we deteriorated and came the iron age. But then this cycle will not last forever. After iron age, again, we will go back to the golden age. And this transformation is happening. And that's why there are both good things and bad things. So what you are saying, yes, we are also moving towards goodness or golden age. So on one hand, there are negative forces. On other hand, there are positive things happening. You will understand more of these things in subsequent series lectures. कौन से स्टेजेस? Which stage? Ages. आपका क्वेश्चन बताइए. अलग से बात कर लेंगे क्योंकि फिर सबका नहीं हुआ है. आप अलग से पूछना. ओके सर, इफ स्ट्रेस इज अ नेगेटिव इमोशंस, डू यू थिंक विदाउट स्ट्रेस वुड बी पॉसिबल? अच्छा, नेगेटिव और पॉजिटिव हम किस बेसिस पे बोल रहे हैं? बैठ जाइए. नेगेटिव और पॉजिटिव हम कैसे डिसाइड करें कि क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है? अगर आपको लाइफ में कोई भी रिस्पॉन्स डिसाइड करना है कि अगर राइट अगर हमें कभी भी डिसाइड करना है कि क्या चीज़ नेगेटिव है क्या चीज़ पॉजिटिव है, कैसे डिसाइड करें कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप ये देख लेना उसका जो आउटकम है, जो आउटकम है वो मेरे लिए और सबके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है. ठीक है? अगर वो बेनिफिशियल है तो वो पॉजिटिव है, और अगर वो बेनिफिशियल नहीं है तो वो नेगेटिव है. अगर हम स्ट्रेस लेते हैं, अभी हमने देखा स्ट्रेस से हमारे ब्रेन पर इफेक्ट पड़ता है, मेमोरी पे इफेक्ट पड़ता है, तो वो हमारे लिए नेगेटिव हो गया. राइट? जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ क्या अच्छे से बिहेव कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं. उनके लिए भी नेगेटिव हो गया, तो दोनों के लिए वो बेनिफिशियल नहीं है, तो इट बिकम्स नेगेटिव. तो नेगेटिव और पॉजिटिव आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ कैसे वो ग्रीड होता है ना, जैसे ग्रीड होता है तो ग्रीड. हाँ हाँ बिल्कुल. तो इसीलिए बताया कि बेनिफिशियल बोथ होना चाहिए. आई विन यू विन सिचुएशन होना चाहिए ऑलवेज. नेक्स्ट सेशन. हाँ बिल्कुल. सो बिल्कुल. थैंक यू. सो बहुत